एक छोटे से शहर से निकलकर अपने दम पर अपनी पहचान बनाना आज के वक्त में काफी मुश्किल है, लेकिन ये कर दिखाया है हिमाचल के एक छोटे से गांव की शीतल ने। परिवार का पूरा साथ मिलने के बाद भी शीतल ने काफी कुछ परेशानियां देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अपने परिवार के सपोर्ट के बाद शीतल आज अपना कॉस्मेटिक ब्रांड चला रही है, जो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, आई थिंक वो मुझे अब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरी फिर शादी हो गई, फिर कंटिन्यू मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करते हुए, हस्बैंड ने मना नहीं किया। फिर मेरे बेबी हुए तो थोड़ा हो गया, आप अंदर का मंडन मांगे फिर क्या करूँ, अब जॉब पे नहीं है, बेबी तो हो गया है, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए पति से पैसे मांगना बहुत ऑफर्ट लगता है। हर चीज़ के लिए एक मन डर बैठ गया ना, घर के अंदर रहेगी, घर में रह के हम लोग लेडीज से क्या होती है, घर में ही दब जाते हैं। तो मुझे अपने आप से पता था कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, मैं तो पूरी नींद हो गई घर बैठ के। बिजनेस का तो मुझे ए भी नहीं आता, तो मैं कैसे बिजनेस करूँ। फिर मुझे किसी ने कहा अगर काम करना है तो ई कॉमर्स में काम करो, तो मैंने होलसेलर से अपना सामान लेना शुरू किया, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए, सामान लेना शुरू किया। 1 जनवरी को मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मीशो में ऐप है, उसमें प्रोडक्ट्स सही सारे प्रोडक्ट्स ऐड करती हूँ मैं। बहुत हिम्मत हार गई, कई बार हिम्मत टूट चुकी थी कि नहीं करना बिजनेस, नहीं करना, बट अब इतना सोच लिया मैंने कि मैं अपना बिजनेस, चाहे अभी तो घर से है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं अपनी शॉप खोलूंगी। एक बड़ी संकलन प्रोग्राम में मैंने सीखा कि कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ता है, अपना जो जहाँ मेरा कॉन्फिडेंट लो हो गया था वहाँ जाके और ज़्यादा बढ़ गया। कि नहीं, बीच में हो गया था कि मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि चल नहीं, आप बंद कर देते, ये काम है किस चीज़ सामान में भेज देती हूँ और काम बंद कर देती। लेकिन जब मैंने संकलम ज्वाइन किया ना, तब मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, नहीं यार मैं नहीं करूँ, बंद करूँ ये काम, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना लॉस हो जाए मुझे। और फिर मैम ने बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सब सिखाया। अब मैं पहले मैं ऐसे आती डायरी में नोट नहीं करती, लेकिन मैंने फिर डायरी में नोट करना भी शुरू कर दिया कि मेरे कहाँ लॉस हो रहा है, कितने ऑर्डर जा रहे हैं, कितने रिटर्न है, ये सब मैंने लिखना शुरू कर दिया। इस क्लास और क्लास से बहुत से बेनिफिट, बहुत से मैम ने बहुत से ऐसे बताया हमें कि हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुमने काम शुरू किया है, मैम भी बोलती है अगर तुमने करा है तो करो, उसे कभी पीछे मत हटो। एम्पावर फाउंडेशन का संकल्प प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। संकल्प के जरिए उन महिलाओं की मदद की जा रही है जो अपने दम पर एक बिजनेस खड़ा करना चाहती हैं। इसके लिए फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की एम्बेसी से मदद मिल रही है और एम्पावर फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए हर जरूरी काम को कर रहा है। संकल्प विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदद करता है। पार्टिसिपेंट्स को ह्यूमन राइट्स, डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ सेशन, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जैसी कई जरूरी बातें भी समझने का मौका मिला है। संकल्प महिलाओं को बिजनेस करने की ट्रेनिंग, स्किल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग तो देता ही है, साथ ही जरूरत होने पर फंडिंग भी दिलाता है। पति पर तो गर्व करे, मैं ये चाहती हूँ मेरी फैमिली जो मुझे इतनी सपोर्ट कर रही है, वो कहे कि हाँ इसने, चलो हमारा बहू ने कुछ तो किया, हमारा नाम तो किया, ये मैं चाहती हूँ, मेरा ये सपना है पूरा।